So hello friends, today I am going to explain the metallurgy part of material science. Metallurgy kya hoti hai? Metallurgy is a branch of material science and engineering that studies the physical and chemical behavior of metallic elements and their intermetallic compounds or mixtures which are called alloys. Alloys हमें पता है कि दो चीज़ों का या दो से ज़्यादा चीज़ों का मिक्सचर होता है. हम इंडिपेंडेंट एक मेटल के भी केमिकल और फिजिकल बिहेवियर को स्टडी कर सकते हैं या उनके मिक्सचर्स को भी. नाउ व्हाट इज़ ए कूलिंग कर्व? यहाँ पे हम देख रहे हैं एक कूलिंग कर्व है. तो कूलिंग कर्व में इट इज़ ए प्लॉट बिटवीन ग्राफिकल प्लॉट बिटवीन चेंजेस इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम फॉर ए मटेरियल ओवर द एंटायर टेम्परेचर रेंज थ्रू विच इट कूल्स. तो जैसे जैसे हम मटेरियल को ठंडा करते हैं तो हम क्या करते हैं उसके कुछ फेजेस को स्टडी करते हैं कि वो फेज कैसे बन रहे हैं. तो टेम्परेचर को हम प्लॉट करते हैं टाइम के साथ तो हमें कूलिंग कर्व मिलती है. नाउ कूलिंग कर्व अगर हम देखें प्योर मेटल की, पिछली स्क्रीन पर भी देखा था हमने, यहाँ पे हमने टाइम जो है वो लॉग स्केल पर लगा दिया है. तो देखिए यहाँ पे हम लिक्विड मीन्स पिघला हुआ मेटल है तो लिक्विड को हम क्या करते हैं, हम लिक्विड को धीरे धीरे ठंडा करते हैं तो हमें इस तरह से उसकी कर्व मिलती है. तो कर्व मीन्स कि टेम्परेचर उसका कॉन्स्टेंटली कम होता जाता है टाइम के साथ. एक टाइम ऐसा आता है जब वो सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाता है. व्हेन इट स्टार्ट्स सॉलिडिफाइंग इट इज नोन एज फ्रीजिंग. तो सॉलिडिफाइंग या फ्रीजिंग कह सकते हैं. At that time, the temperature remains constant. ये हमारी इसकी latent heat होती है, latent heat of cooling और solidification और freezing. तो ये latent heat जो होती है वो constant होती है. तो जब तक वो पूरा solidify नहीं हो जाता temperature constant रहता है. तो यहाँ पे देखिए ये left side में जो है this is the liquid phase और ये जब constant हो जाता this is liquid plus solid. That means solid बनना शुरू हो गया यहाँ पे freezing में और उसमें liquid भी है. और जहाँ पे जब solid बन जाता है then solid की cooling start हो जाती है और इस तरह से हमें curve मिलती है. Cooling curves are obtained by plotting measured temperatures at equal interval. हम थोड़े थोड़े interval 10-10 degree या 5-5 degree के interval पे उसको note करते हैं और during the cooling period of metal. If a cooling curve for a pure metal is plotted, it will show a horizontal line at the melting or freezing temperature. जैसे मैंने explain किया कि ये बीच वाला portion आपको एक horizontal line मिलेगी. Now, in actual, it doesn't happen. ऐसा होता नहीं है. यहाँ पे हमें बीच में एक और एक U type का curve मिल जाती है. Now, this is known as undercooling. Now, what is this undercooling and why this happens? ऐसा क्यों होता है? Cooling curve for a pure metal has not been well inoculated. It cools as specific heat is removed between points A and B. A and B के बीच में तो heat निकल रही है, तो liquid कम ठंडा होता जा रहा है. लेकिन B point पे क्या होता है? B पॉइंट पे सॉलिडिकेशन शुरू हो गई है लेकिन एज पर थ्योरेटिकल हम कह रहे थे कि हॉरिजेंटल होंगे. जब तक कि वो पूरा सॉलिडिफाई ना हो जाए तब तक उसकी लेटेंट हीट होती रहेगी. बट अंडर कूलिंग इज नेसेसरी फॉर न्यूक्लिएशन टू अकर बिटवीन पॉइंट्स B एंड C. अब यहाँ B और C के बीच में न्यूक्लिएशन होती है. नाउ व्हाट इज दिस न्यूक्लिएशन? न्यूक्लिएशन होता है कि जब वो सॉलिडिफाई होता है तो एक न्यूक्लियस बनता है, एक केंद्रक बनता है और उसके आसपास मेटल ऐड होता चला जाता है. वो मेटल ऐड कैसे होता है वो हम आगे डेंड्राइटिक सॉलिडिफिकेशन में पढ़ेंगे. तो अभी के लिए हम ये पढ़ें कि एक न्यूक्लिएशन बनता है और न्यूक्लिएशन जब बनता है तो उसके आसपास सॉलिडिफिकेशन शुरू होती है. एज द न्यूक्लिएशन बिगिंस पॉइंट सी latent heat of fusion is released causing an increase in the temperature of liquid. तो जैसे ही nuclear बन गया C के ऊपर nucleation बन गया, nuclei बन गया तो एकदम से वो heat को release करता है और एकदम से temperature उसका बढ़ता है. तो ये U होता बहुत छोटा है लेकिन ये U apparently हमें दिखता है. This process is known as recalcence. Point C to D, then metal continues to solidify at constant temperature. जो हमने कहा कि horizontal line मिलती है, isothermal solidification होती है D से E. Isothermal means कि temperature constant रहता है.
एट पॉइंट ई द सॉलिडिफिकेशन इज कंप्लीट, और उसके बाद फिर हमें कर्व ऐसे नीचे की तरफ मिलनी शुरू हो जाती है, सॉलिड जो है वो ठंडा होना शुरू हो जाता है। नाउ सॉलिडिफिकेशन ऑफ अलॉयज मैंने एक्सप्लेन कर भी दिया है, यूजली द फ्रीजिंग ऑफ अलॉय अकर्स ओवर ए टेम्परेचर रेंज। अब प्योर मेटल्स में तो हमें सॉलिडिफिकेशन एक टेम्परेचर पे, हमने कहा कि एक हॉरिजेंटल लाइन, एक ही टेम्परेचर पे सारा का सारा फ्रीजिंग हो जाएगा, बट इन केस ऑफ अलॉयज ऐसा नहीं होता। इन केस ऑफ अलॉयज द फ्रीजिंग ऑफ अलॉय अकर्स ओवर ए टेम्परेचर रेंज, दैट मीन्स हमें एक टेपर लाइन मिलेगी, उसमें डायगोनल लाइन मिलेगी, ऐसा नहीं होगा कि हमें हॉरिजेंटल लाइन मिल जाए। तो फ्रीजिंग ऑफ अलॉय अकर्स ओवर ए टेम्परेचर रेंज, टेम्परेचर घटता भी है साथ के साथ। द कंपोजिशन ऑफ सॉलिड विच सेपरेट्स फर्स्ट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ लिक्विड। तो लिक्विड जो होता है, लिक्विड के बीच में सॉलिड जब बनता है तो उसका कंपोजिशन लिक्विड से अलग होता है, ऐसा नहीं होता कि वो लिक्विड वाला ही कंपोजिशन लेता है। अब ये कैसे होता है, वी विल एक्सप्लेन लेटर ऑन। देयर मे बी मोर देन वन सॉलिड फेज क्रिस्टलाइजिंग फ्रॉम द लिक्विड। जब वो सॉलिड बन रहे होते हैं तो ऐसा नहीं होता कि एक ही तरह का सॉलिड फेज बन रहा हो सकता है वो अलग अलग तरह के फेज भी बन रहे हों। ऐसे कई केसेस होते हैं जहाँ पे हम स्टडी कर सकते हैं कि कई उसमें फेजेस, एक फेज कुछ और बन रहा होता है, एक फेज कुछ और बन रहा होता है। तो हम स्टडी करते हैं सॉलिड सॉल्यूशंस को, जो आपके सिलेबस में भी है, इसकी डेफिनेशन भी आप याद कर सकते हैं। इट इज़ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ अलॉय। ए सॉलिड सॉल्यूशन अकर्स व्हेन वी अलॉय टू मेटल्स एंड दे आर कंप्लीटली सॉल्यूबल इन ईच अदर इन बोथ फॉर्म, लिक्विड एज वेल एज सॉलिड फॉर्म, दोनों में ही वो सॉल्यूबल हैं एक दूसरे के अंदर। इफ ए सॉलिड सॉल्यूशन अलॉय इज व्यूड अंडर ए माइक्रोस्कोप, अगर माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाए, ओनली वन टाइप ऑफ क्रिस्टल कैन बी सीन जस्ट लाइक ए प्योर मेटल। तो ये इतने आपस में घुले मिले होते हैं कि वो माइक्रोस्कोप के अंडर देखें तो ऐसा ही दिखता है जैसे कि वो एक प्योर मेटल हो, ना कि वो एक अलॉय होगा। लेकिन अलॉय नॉर्मल जो दूसरे अलॉय होते हैं उसमें हमें हर पार्ट जो है वो अलग अलग दिखता है। सॉलिड सॉल्यूशन अलॉयज हैव सिमिलर प्रॉपर्टी टू प्योर मेटल बट विद ग्रेटर स्ट्रेंथ बट आर नॉट एज गुड एज इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन उनकी थोड़ी कम हो जाती है लेकिन स्ट्रेंथ उनकी ज़्यादा होती है सॉलिड सॉल्यूशन की। सॉलिड सॉल्यूशन इज कंपोज ऑफ टू पार्ट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मीन्स जो घोलने वाला है, सॉल्यूट मीन्स जो घुलने वाला है। तो दो तरह के इसमें पार्ट हो जाते हैं, एक तो जो घोलेगा उसको और एक जो, जैसे पानी में नमक अगर घोला तो पानी जो है वो सॉल्वेंट है और नमक जो है वो सॉल्यूट है। तो यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे देखते हैं कि सॉलिड सॉल्यूशन की हमें कुछ कर्व इस तरह से मिलती है। निकल कॉपर की हमने देखी है, तो निकल कॉपर में देखिए हमें कर्व कुछ इस तरह से मिलती है। एक ऊपर वाली लाइन लिक्विडस मिलती है, लिक्विडस मीन्स कि उस लाइन के ऊपर ऊपर जो भी होगा वो लिक्विड सॉल्यूशन होगा, और नीचे सॉलिडस है, सॉलिडस मीन्स कि उससे नीचे जो भी मटेरियल होगा वो सॉलिड मिलेगा, और बीच का मटेरियल लिक्विड प्लस सॉलिड है। तो ये देखिए यहाँ पे 1455 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये पूरा का पूरा लिक्विड मिलेगा, और 1083 पे हमें ये पूरा का पूरा सॉलिड मिलेगा। इसके बीच आप देखिए, ये अगर हम प्लॉट करें तो यहाँ पे ये पॉइंट जो है, देखिए अब यहाँ पे फ्रीजिंग होनी शुरू होती है। अब मैंने बताया कि सॉलिड सॉल्यूशन अलॉयज में हमें एक आइसोथर्मल लाइन नहीं मिलती, फ्रीजिंग कहीं मिलती है तो उसी टेम्परेचर पे फ्रीजिंग एंड भी नहीं होती, फ्रीजिंग घटती रहती है, टेम्परेचर भी घटता रहता है। तो ये हम यहाँ से देख सकते हैं टेम्परेचर और टाइम में। तो ये सॉलिडिफिकेशन टाइम हमारा यहाँ से शुरू होता है, पोरिंग टेम्परेचर जो है वहाँ से लेकर जहाँ फ्रीजिंग हमारी कंप्लीट हुई है वो टोटल सॉलिडिफिकेशन टाइम होता है। नाउ देयर इज वन डेंड्राइटिक सॉलिडिफिकेशन, जो आपके एक नंबर में भी आ सकता है, दो नंबर में भी, और शॉर्ट नोट में भी आ सकता है, डेंड्राइटिक सॉलिडिफिकेशन। मेटल में क्या होता है, अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि न्यूक्लियर बनता है, एक न्यूक्लियाई बनता है। न्यूक्लियाई मीन्स एक छोटा सा केंद्र बन जाता है जिसके आसपास मेटल सॉलिड इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। द क्रिस्टल दैट फॉर्म इन द लिक्विड ड्यूरिंग फ्रीजिंग जनरली फॉलो ए पैटर्न कंसिस्टिंग ऑफ मेन ब्रांच, एक मेन ब्रांच बनती है विद एंड मैनी अपेंडेजेस, और उसके दोनों साइड में एड होती चली जाती है, अपेंडेजेस मीन्स एड होती चली जाती है। ए क्रिस्टल विद दिस मॉर्फोलॉजी स्लाइटली रिजेंबल्स ए पाइन ट्री, पाइन का जो पेड़ होता है, पाइन एप्पल का जो पेड़ होता है वैसा ही दिखता है, एंड इज कॉल्ड ए डेंड्राइट विच मीन्स ब्रांचिंग और ट्री लाइक स्ट्रक्चर।
अब ये एक प्राइमरी लाइन होती है, प्राइमरी लाइन के ऊपर थोड़े से उसके अपेंडेजेस होते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है उसकी एक सेकेंडरी डेंड्राइट आर्म, ब्रांचेस ऑफ द प्राइमरी, प्राइमरी से सेकेंडरी डेंड्राइट आर्म निकलती है और सेकेंडरी से टर्शरी तीसरा वाला भी आर्म निकलता है। तो प्राइमरी से सेकेंडरी निकला, सेकेंडरी से फिर आगे टर्शरी निकले। द फॉर्मेशन ऑफ डेंड्राइट अकर्स बिकॉज क्रिस्टल ग्रो इन डिफरेंट प्लेन्स ड्यू टू क्रिस्टल लैटिस दे क्रिएट। जैसे वो क्रिएट, जहां पे भी वो क्रिएट करना शुरू करता है उसी प्लेन में वो क्रिएट करना शुरू कर देता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं आप, ड्यूरिंग फ्रीजिंग ऑफ ए पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल मेनी डेंड्राइटिक क्रिस्टल फॉर्म एंड ग्रो अंटिल दे इवेंचुअली बिकम लार्ज एनफ टू इम्पिंज अपॉन ईच अदर। तो होता क्या है, एक सेंटर में एक क्रिएट हुआ, उसके आसपास इस तरह की ब्रांचेस बननी शुरू हो गई और हर डायरेक्शन में, थ्री डायमेंशन में पूरे बन सकती है। और जब ये ब्रांचेस होती हैं, ये प्राइमरी ब्रांच है, इससे सेकेंडरी पैदा होगी, सेकेंडरी से टर्शरी बनेगी। इवेंचुअली द इंटर डेंड्राइटिक स्पेसेस बिटवीन द डेंड्राइटिक आर्म क्रिस्टलाइज टू यील्ड ए मोर रेगुलर क्रिस्टल। तो इनसे क्या होता है, अगर ये एक ही प्लेन में बने तो ज़्यादा वो रेगुलर क्रिस्टल बनेगा। तो होता क्या है कि ये धीरे धीरे एक दूसरे, एक साइड में एक न्यूक्लिया बना, दूसरा साइड में दूसरा न्यूक्लिया, तो धीरे धीरे आपस में कहीं ना कहीं जाके इम्पिंज होती हैं, क्लैश होती हैं, तो वहां पे एक नया ग्रेन बन जाता है। ये देखिए, ये यहाँ पे दिख रही है, तो ब्रांचेस बननी शुरू हुई हैं और कहीं ना कहीं जाके एक दूसरे से टकराएंगी, जहां ये टकराएंगी वहां पे एक ग्रेन फॉर्म होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे भी एक प्लेनर फ्रंट है और यहाँ पे ये डेंड्राइटिक दिखाया हुआ है। ये तो सिंपल वाला दिखाया, प्लेनर वाला, और ये डेंड्राइटिक है। तो इसमें डेंड्राइटिक में एक सिंगल, देखिए बीच वाली ब्रांच है, फिर दूसरी निकली सेकेंडरी, सेकेंडरी से आगे टर्शरी भी निकलनी शुरू हो जाती है। तो मैंने बताया इसके तीन स्टेजेस होते हैं। पहला न्यूक्लिएशन, न्यूक्लिएशन की ग्रोथ होती है। न्यूक्लिएशन जो है दैट इज होमोजीनियस न्यूक्लिएशन या हेट्रोजीनियस न्यूक्लिएशन। होमोजीनियस में क्या होता है, फॉर वेरी प्योर मटेरियल, प्योर मेटल्स सब्सटेंशियल अंडरकूलिंग, बहुत ज़्यादा अंडरकूलिंग होती है इसमें। अंडरकूलिंग कितनी होती है, 0.2 टेम्परेचर ऑफ सॉलिडिफिकेशन, जो 0.2 टाइम्स टेम्परेचर ऑफ सॉलिडिफिकेशन होता है उतना उसका हमें कर्व मिलता है, अंडरकूलिंग मिलती है। हेट्रोजीनियस में न्यूक्लिएशन एजेंट्स बहुत कम होती है, सिर्फ 5 डिग्री का अंडरकूलिंग, इतना सा अंडरकूलिंग मिलता है। ग्रेन ग्रोथ हमारी दो तरह की होती है, प्लेनर, जैसे कि यहाँ पे दिख रही है, प्लेनर में हम सीधा सीधा इस तरह से हमारे प्लेन, एक ही प्लेन बनते चले जाते हैं। डेंड्राइटिक में हमारी इस तरह से बनती है, आगे हम उसमें भी देख सकते हैं, एनिमेशन में देखेंगे। ग्रेन साइज डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एंड कूलिंग रेट। कूलिंग रेट तेज है तो और तरह से ग्रेन साइज होगा, और स्लो है तो और तरह से। अब देखिए यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि ये बीच में एक न्यूक्लियर बना है, एक न्यूक्लियाई बना, न्यूक्लियाई ग्रो कर रहा है। अब ये ग्लो करते करते इसकी देखिए चार डायरेक्शंस में ब्रांचेस पैदा हो रही हैं। अब ये ब्रांचेस की सेकेंडरी ब्रांचेस हुई, सेकेंडरी ब्रांचेस बढ़ रही हैं, जैसे ही सेकेंडरी ब्रांचेस बढ़ी तो आगे टर्शरी ब्रांचेस भी बढ़ने लगी हैं। ये टर्शरी ब्रांचेस देखिए बन रही हैं, तो इस तरह से ये बनता है। अब पॉलीक्रिस्टलाइन मेटल में क्या होता है, इन मोस्ट केसेस सॉलिडिफिकेशन बिगन्स फ्रॉम मल्टीपल साइड्स। यहाँ पे देखिए कई, एक की ये डायरेक्शन है, ये लाइन दिख रही है, एक की ये वाली डायरेक्शन है, ईच ऑफ विच कैन प्रोड्यूस ए डिफरेंट ओरिएंटेशन। हर एक की ओरिएंटेशन अलग अलग होती है, कोई इस साइड में। द रिजल्ट इज पॉली क्रिस्टलाइन मटीरियल कंसिस्टिंग ऑफ मेनी स्मॉल क्रिस्टल ऑफ ग्रेन्स। ईच ग्रेन हैज द सेम क्रिस्टल लैटिस, बट द लैटिसेस आर मिस ओरिएंटेड फ्रॉम ग्रेन टू ग्रेन। ये एक ग्रेन है, ये व्हाइट कलर का है, ये ब्लैक कलर का है, ये ग्रे कलर का है। हर एक की ओरिएंटेशन अलग अलग मिलेगी आपको, जितने भी ग्रेन मिलेंगे उसकी अलग अलग ग्रेन पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल में। नाउ अब ये ग्रेन साइज क्या इफेक्ट करता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में, ये आपके सिलेबस में भी है। तो अब ये ग्रेन साइज होता क्या है, ग्रेन साइज जितना होगा तो उससे क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर और पैकिंग जो है वो डिफरेंट होगी। क्लोज टू द ग्रेन बाउंड्रीज इज एक्सपेक्टेड टू बी लोअर देन दैट इन बल्क ऑफ सिंगल ग्रेन। सिंगल ग्रेन, सिंगल क्रिस्टल अगर है तो उसकी, एक सिंगल क्रिस्टल है तो उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू, दैट मीन्स उसके बीच में अगर ग्रेन साइज हमारा कम है तो उसके बीच में हमें वॉइड्स मिलेंगे, खाली जगह मिलेगी। तो इसको इफेक्ट क्या होता है,
दैट मीन्स ग्रेन बाउंड्री हैव ए सिमिलर करेक्टरिस्टिक विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी इन ए नैनो स्ट्रक्चर एज कम्पेयर टू माइक्रोन ग्रेन। तो एक बड़ा मटेरियल है, बड़े क्रिस्टल वाला है, उसका और होगा, और जिसमें ग्रेन बाउंड्रीज ज़्यादा, दैट मीन्स ग्रेन्स ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे इफेक्ट ज़्यादा होगा। तो ग्रेन साइज और स्ट्रेंथ में क्या रिलेशन है? एज द ग्रेन साइज डिक्रीजेज द स्ट्रेंथ ऑफ क्रिस्टल इंक्रीजेज। ग्रेन साइज बड़ा होता है तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। द रीजन बिहाइंड इज दैट ग्रेन बाउंड्री इज एन इम्पेडिमेंट टू द मोशन ऑफ डिसलोकेशन। डिसलोकेशन हमने पढ़ी है, पॉइंट डिसलोकेशन, लाइन डिसलोकेशन, एंड हमने पढ़ी है कि स्क्यू डिसलोकेशन। तो वो डिसलोकेशन क्या है, वो ट्रेवल करती है, और ग्रेन बाउंड्री क्या करती है, उस डिसलोकेशन को रोकती है। इम्पेडिमेंट मीन्स उसका एक बैरियर का काम करती है। डिसलोकेशन हम पढ़ रहे थे, तो जहां पे भी क्रिस्टल वो एंड होता है, दैट मीन्स ग्रेन बाउंड्री मिलती है, वहां पे वो रुक जाता है डिसलोकेशन। तो दैट मीन्स वहां उसको जो ग्रेन बाउंड्री है वो रोकती है। अब ग्रेन बाउंड्री ज्यादा कहाँ होगी, जहां पे हमारे क्रिस्टल छोटे छोटे, ग्रेन छोटे छोटे हैं, जितने छोटे छोटे होंगे उतनी ग्रेन बाउंड्रीज ज्यादा होंगी। तो ग्रेन बाउंड्री ज्यादा है तो दैट मीन्स कि ग्रेन साइज छोटा है, ग्रेन साइज छोटा है तो हमारी स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो दैट मीन्स हम पहली लाइन दोबारा पढ़ते हैं, ग्रेन साइज डिक्रीजेस द स्ट्रेंथ ऑफ क्रिस्टल इंक्रीजेस। सेम इज द केस विद हार्डनेस। Hardness also follows a relationship same as that of yield stress. Now there is one phenomena, creep. Creep is permanent deformation of a material under constant load as a function of time. अब creep क्या होता है कि creep बहुत लंबे time तक एक load पड़ा हुआ है तो वो fail होना शुरू हो जाता है। Now grain boundaries are perfect sources and sinks of vacancies. ग्रेन बाउंड्री क्या करते हैं, ग्रेन बाउंड्री अपने अंदर इन वैकेंसीज, खाली जगह को अपने अंदर समा लेती हैं। हेंस मोर ग्रेन बाउंड्री विल डिक्रीज द क्रीप रेजिस्टेंस। अब ये उल्टा है, स्मॉल ग्रेन साइज का मतलब ये है कि मोर ग्रेन बाउंड्री, और जब मोर ग्रेन बाउंड्री है देन इट विल डिक्रीज द क्रीप रेजिस्टेंस। तो दैट मीन्स इट इज वाइस वर्सा, ग्रेन साइज छोटा है तो क्रीप रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, राइट। Then there is binary alloy. हम already पढ़ भी चुके हैं, binary alloy is a mixture of, alloy is a mixture of metal with one or more elements. A binary alloy is made up of two elements and homogeneous binary alloy. हम पढ़ भी चुके हैं कि solid solution किसको कहते हैं, जिसमें हर एक जो दोनों का mixture है वो lattice में अपनी अपनी जगह लेता है। The primary element is a metal and is called the solvent and the secondary element is called the solute. A homogeneous binary alloy can be classified as either substitutional or interstitial. हम पहले पढ़ भी चुके हैं, दोबारा भी पढ़ेंगे। Types of binary alloy and solid solution. Binary alloy means दो metals का, या दो एक metal और एक जो हमारा solvent होगा वो तो metal ही होगा। तो ये चार तरह से हो सकते हैं। A mixture of two immiscible phases. Immiscible means दोनों एक दूसरे में mix नहीं होंगे। Phases क्या है, independent, उनके mixture हैं। एक जो solid solution है, a single phase in which atom of both sort, दोनों के solute and solvent के दोनों atom occupy position on the same lattice, three dimension में अपने आप को fix करते हैं, वहीं पे ही करते हैं, जहां पे बीच में नहीं करते हैं, दोनों उसी जगह पे ही करते हैं जहां पे three dimension की fix हुई है। एंड द तीसरा है, ए फेज विद स्ट्रक्चर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ ईदर ऑफ द कंस्टिट्यूएंट, उसको इंटरमेटालिक कंपाउंड कहते हैं, जो मिक्स किए गए हैं उनसे बिल्कुल ही अलग होता है। और चौथा वाला है एन इंटीमेट मिक्सचर ऑफ टू फेजेस, उसको हम टू फेज अलॉय कहते हैं, वो भी हम स्टडी करेंगे कैसा होता है। सॉलिड सोल्यूशन देखिए क्या होता है, ए सॉलिड सोल्यूशन इज वेन टू मेटल्स आर कम्प्लीटली सोल्यूबल इन ईच अदर इन बोथ द लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट। लिक्विड में भी और सॉलिड स्टेट में भी मिक्स हो सकते हैं एक दूसरे के अंदर। अब देखिए यहाँ पे आयरन कार्बन है, ये सॉलिड सोल्यूशन है आयरन और कार्बन का। देखिए इसका माइक्रोस्ट्रक्चर के अंदर देखते हैं और प्योर मेटल को देखते हैं, लेड को, तो वो दोनों एक जैसे दिखते हैं। तो मैंने बताया कि सॉलिड सोल्यूशन माइक्रोस्कोप के अंदर बिल्कुल प्योर मेटल जैसा ही दिखता है। अब इसकी कूलिंग कर्व हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि अलॉयज सॉलिड सॉल्यूशन की कैसे है, कि इसका जो फेज चेंज है, दैट मींस लिक्विड से सॉलिड है, वो आइसोथर्मल नहीं होता, एक रेंज ऑफ टेम्परेचर्स पे होता है। तो
यहाँ पे हमें लिक्विड सॉल्यूशन है और लिक्विड प्लस सॉलिड जो है वो एक रेंज ऑफ टेम्परेचर पे सॉलिडिफाई होता है. सो दैट इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच.